जब तक महाराजा रंजीत सिंह की तरह खालसे का राज नहीं आएगा, महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा। आप बताएं उसका जिम्मेदार कौन है? मैं सारे भारत के हिंदुओं से पूछता हूँ, गुरमीत राम रहीम बलात्कारी है कि नहीं है? आसाराम बापू बलात्कारी है कि नहीं है? उस वीडियो के आने के बाद देश का प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र आंखों का अंधा, चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, कहीं नहीं लिखा हिंदू कोई धर्म। मोदी का जो लेख कर देने वाला व्यक्ति है ना, वो इसका सबसे बड़ा दुश्मन था सीता का। बताए मुझे ये सारे देश के हिंदू, ये लोग गद्दी के लिए श्री रामचंद्र जी सामने आ जाए ना, उनको भी मार देंगे। जिसने भी राम नाम का लबादा ओढ़ रखा है वो सीता हरण करेगा ही। अमित शाह तेरे को भी मिलेगी, बीरेंद्र सिंह तेरे को भी मिलेगी। खुला बोल रहा हूँ, जाओ जो केस करना है कर लो। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। अभी हमारे साथ मौजूद हैं चरणजीत सिंह जी, जो कि सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और जनता के मुद्दों को खुलकर सामने रखने का काम करते हैं। अभी जो भी मणिपुर से जो भी तस्वीरें निकल कर आ रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? महाभारत में हाँ, द्रौपदी का अपमान हुआ था, याद है आपको? पढ़ा है आपने जी। महाभारत में देवी द्रौपदी का अपमान हुआ, उस समय धृतराष्ट्र जिनके नेत्र नहीं थे वो वहाँ थे, भीष्म पितामह वहाँ थे, गुरु कृपाचार्य वहाँ थे, द्रोणाचार्य वहाँ थे, सब थे, दुर्योधन भी वहाँ थे और दुशासन जो कपड़े उतार रहे थे वो भी वहाँ थे, उनके 100 के 100 भाई वहाँ थे, विदुर जी भी वहाँ थे, सभी थे, सभी देख रहे थे स्त्री के अपमान को। और स्त्री पांडव भी वहाँ थे, कर्ण भी वहाँ था, और सभी से हाथ जोड़ के गुहार कर रही थी माता द्रौपदी कि मेरा सम्मान बचाइए। लिखा है महाभारत में, पढ़ते हैं हम सब लोग। हिंदूवादी भारतीय जनता पार्टी गीता को अपनी माता बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। तो गीता को अपनी माता बोलने वाले उस जमाने में जो तिरस्कार महिला का हुआ था, उसकी वजह से संसार का सबसे बड़ा युद्ध हुआ, जिसकी वजह से बहनों के भाई, पत्नियों के पति, माताओं के बच्चे सब चले गए। कोई बेरोजगार हो गया, कोई बेवा हो गया, कोई अनाथ हो गया, अरबों लोग मारे गए। और जो लोग मारे गए वो अलग, उसके अलावा जो हमारी बौद्धिक क्षमता थी, जो एक तीर मारते थे तो वो क्या ब्रह्मांश अस्त्र बन जाता था। आज इतने बड़े बड़े अस्त्र बनते हैं, उतने बड़े नहीं हो पाते, वो तीर से कर लेते थे। वो बौद्धिक क्षमता भी हमारी नष्ट हो गई, उसका जिम्मेदार कौन है? आप बताएं उसका जिम्मेदार कौन है? मैं सारे भारत के हिंदुओं से पूछता हूँ, माता द्रौपदी का अपमान का जिम्मेदार कौन है? वही जिम्मेदार आज है जो ये दो स्त्रियों का अपमान हुआ मणिपुर में, नग्न करके उनकी परेड की गई, उनके अंगों पर हाथ लगाए गए सबके सामने, उनका बलात्कार किया गया, उसके बाद उनकी हत्या की गई। 80 दिन बाद वो वीडियो आया, उस वीडियो के आने के बाद देश का प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र आंखों का अंधा, प्रधानमंत्री क्या कहता है? मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि यही काम छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में हो रहा है। उस अंधे को नजर नहीं आया कि ये काम छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नहीं हो रहा? छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इंटरनेट बंद नहीं है के बंद है बताएं? क्या वहां पर इस तरह परेड की गई महिलाओं की? नहीं की गई। लेकिन ये राजनीति करने के लिए इसने बोला। इस नरेंद्र मोदी का जो लेख कर देने वाला व्यक्ति है ना, वो इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। जो इसको स्क्रिप्ट लिख के देता है वो चाहे जोशी है, चाहे वो जो भी है, मेरी बात सुन ले। उत्तराखंड से आने वाला जोशी मेरी बात सुन ले कि तेरे को लिखना नहीं आता है ना, तो अपनी जगह किसी और को बिठा दे। तू इस लायक नहीं है कि तू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए स्क्रिप्ट लिख सके। तू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्बाद करना चाहता है क्योंकि वो अपने दिमाग से तो कुछ बोलता ही नहीं है।
वो तो टेलीप्रिंटर पर बोलता है, उसका अपना दिमाग खत्म हो चुका है। अगर अपने दिमाग से बोलता और अगर नरेंद्र मोदी की बेटियां होती, अपनी सगी बेटियां होती तो वो बोलता। पत्नी को छोड़ा सवाल पूछूंगी क्योंकि आपने इस कहानी को महाभारत से जोड़ा जी। उस वक्त महाभारत का युद्ध हुआ, कृष्ण ने न्याय दिलाया द्रौपदी को, क्या इस वक्त कौन लगता है कौन दिलाएगा कोई न्याय, कभी मिलेगा महिलाओं को न्याय या नहीं मिलेगा? मुझे नहीं लगता, मुझे माफ करिएगा, मुझे नहीं लगता। जब तक महाराजा रंजीत सिंह की तरह खालसे का राज नहीं आएगा, जब तक महाराजा रंजीत सिंह की तरह खालसे का राज नहीं आएगा, महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा। मैं चैलेंज देता हूं इस बात का। महाराजा रंजीत सिंह के 45 साल के शासन में एक भी हत्या नहीं हुई, एक भी व्यक्ति जेल नहीं गया, एक भी बलात्कार नहीं हुआ, एक भी भूखा नहीं सोया। ये सब के सब अंदर से मरे हुए हैं, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, कोई दीन ईमान नहीं है इनका। आपने महाभारत की बात करी, मैं रामायण पर भी आ जाता हूँ। माता सीता का क्या दोष था, गर्भावस्था में उसको जंगलों में छोड़ दिया, क्या दोष था माता सीता का बताएं मुझे, ये सारे देश के हिंदू, क्या दोष था माता सीता का, कोई था माता सीता का दोष बताओ? खैर वो एक अलग मुद्दा है, उस पर कहा जाता है कि ये हमारी देवी हैं, महिलाएं हमारी सीता हैं, महिलाएं हमारी द्रौपदी हैं, महिलाएं हमारी लक्ष्मी हैं, महिलाएं हमारी शक्ति हैं, महिलाएं हमारी सरस्वती हैं, महिलाएं हमारी कृपा हैं, महिलाएं सब कुछ हैं। जिस देश में महिला का अपमान होगा वो देश नहीं रह सकता, और इसको पता नहीं है अनपढ़ को। चौथी पास तूने, चलो मान लिया तू चौथी पास है, लेकिन तूने महाभारत तो देखी है, तूने महाभारत देखी है, तूने रामायण देखी है, तुझे पता नहीं कि अगर सीता का अपमान राम राज्य की बात करते हैं, राम राज्य, श्री रामचंद्र जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ये लोग गद्दी के लिए श्री रामचंद्र जी सामने आ जाए ना, उनको भी मार देंगे। अगर गद्दी इनको चाहिए और महाराज श्री रामचंद्र जी महाराज बोले कि तुम गद्दी के लायक नहीं हो, तो ये उनको भी मार देंगे मिलके। ये हत्यारे हैं राम राज्य के, ये हत्यारे हैं महाराजा रामचंद्र जी की मर्यादा के, ये हत्यारे हैं श्री कृष्ण जी की महाराज की मर्यादा के। इनमें श्री कृष्ण नहीं देख सकते आप, इनमें श्री राम नहीं देख सकते आप, इनमें है ही नहीं। जय श्री राम के नारे यही लगाते हैं। अभी कोई व्यक्ति खड़ा है, इसी व्यक्ति को दाढ़ी लगा दो, मूंछ लगा दो, पीले कपड़े पहना दो तो ये हिंदू, इसी को मुसलमान की ड्रेस पहना दो ये मुसलमान, इसी को पगड़ी पहना दो ये सिख, इसी को लबादा पड़ा दो ईसाइयों का तो ये क्रिश्चियन। ये भेष है, भेष। इन्होंने रामचंद्र, श्री रामचंद्र, जय श्री रामचंद्र बोल के, जय रावण ने एक बात बोली थी मंदोदरी से, मैं आपको याद दिलाता हूँ, रावण ने एक बात बोली थी मंदोदरी से, मैं आपको याद दिलाता हूँ। जब रावण से मंदोदरी ने पूछा, हे रावण आप तो कोई भी भेष धारण कर सकते थे, आपने साधु का भेष धारण क्यों किया? तो रावण ने बोला, यही साधु का भेष कलयुग में सबसे ज्यादा अत्याचार करेगा। तो आज जिसने भी साधु का भेष धारण कर रखा है, जिसने भी राम नाम का लबादा ओढ़ रखा है, वो सीता हरण करेगा ही। मुझे माफ करिएगा, साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा? गुरमीत राम रहीम बलात्कारी है कि नहीं है? आसाराम बापू बलात्कारी है कि नहीं है? बताएं, आप बताएं, है कि नहीं है? लेकिन उनके लिए फटाफट पैरोल आ जाती है। कहते हैं कि हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश की जाती है। हिंदू है कौन? मुझे कोई ये बताए कि मैं हिंदू हूँ? हिंदू, चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, कहीं नहीं लिखा हिंदू कोई धर्म है, वहाँ लिखा है सनातन धर्म है।
सनातन धर्म है। और सनातन क्या कहता है? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया। कहाँ है सर्वे भवन्तु सुखिना? कहाँ है सर्वे भवन्तु निरामया? अगर वो सनातनी होते तो बोलते सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया। ये क्या कहते हैं? हम भवन्तु सुखिना, हम भवन्तु निरामया। इनको किसी से लेना देना ही नहीं है। कहीं लेना देना है तो बताइए, कहीं लेना देना है तो बताइए। चैलेंज खुला, संसार के सभी शंकराचार्यों को चैलेंज इस चरणजीत सिंह का, संसार के सभी बाबाओं को चैलेंज इस चरणजीत सिंह का, संसार के सभी पोप को चैनल इस चरणजीत सिंह का, संसार के सभी जितने भी हैं सबको चैलेंज इस चरणजीत सिंह का। सामने आके साबित करो कि तुम परमपिता परमेश्वर की औलाद हो। अगर बागेश्वर बाबा है ना, वो उनका हनुमान जी से साक्षात बात होता है, अगर उसकी बात होती है तो उसी के प्रोग्राम में लड़की को उठा के ऐसे फेंक दिया गया। वो अंधा था क्या? उसको पता नहीं था कोई लड़की आ रही है कि इसको मैं सम्मान दे दूं? काहे का बाबा नकली नालायक धंधे वाला धंधा करता है। जिमी रोड की गृहस्थियों की ज्यादा इज्जत है इनसे, खुला बोल रहा हूं। जाओ जो केस करना है कर लो। एक शरीर बेचने वाली स्त्री की इनसे कहीं ज्यादा इज्जत है। गुस्सा हो जाएंगे लोग, भावनाएं हाथ हो जाएंगे, भाड़ में जाएं ऐसे लोग। हमें क्या करना इन लोगों से, जो अंधे हैं, जो अपना भला नहीं सोच सकते, जो अपना भला नहीं सोच सकते। लाखों की भीड़ होती है उनके, अरबों की हो, खरबों की हो, कीड़े मकोड़े होते हैं। देखें आपने कभी, देखें कीड़े मकोड़े क्या औकात होती है कीड़े मकोड़ों की? एक पानी की धार आती है, बहा के ले जाती है। देखा आपने अभी बाढ़ का? एक सेकंड में ना वो परमपिता परमेश्वर जब नाराज होता है ना, एक सेकंड में 200 किलोमीटर की हवा चलाएगा, उड़ा के ले जाएगा। ये देखते रह जाएंगे सबके सब। रामायण की अयोध्या नहीं रही ना? नहीं रही ना? बताइए रही कहाँ है? नहीं है ना? कृष्ण जी की द्वारका कहाँ है? राम मंदिर लेकिन बनवा रहे हैं अयोध्या में। वहाँ क्या होगा? धंधा नहीं होगा तो क्या होगा बताएं? कितने रुपए टिकट लगेगी? पानी फ्री मिलेगा? खाना मिलेगा? इज्जत मिलेगी? धक्के मिलेंगे? औरतों की इज्जत उतरेगी? रुकेगी क्या वो? दिल को मंदिर बनाओ, यहाँ बनाओ मंदिर। ये सांस चलती है ना, ये सांस, एक सेकंड के लिए सांस बंद हो जाए ना, संसार खत्म हो जाता है। ये सांस ही राम मंदिर है। आपकी सांस बंद हो जाए क्या होगा बताइए? तो मोदी की कभी सांस बंद नहीं होगी, अमित शाह की कभी सांस बंद नहीं होगी, इन नेताओं की कभी सांस बंद नहीं होगी, रावण की सांस बंद नहीं हुई थी कभी, दुर्योधन की कभी सांस बंद नहीं हुई थी, राम की कभी सांस बंद नहीं हुई, कृष्ण जी की कभी सांस बंद नहीं हुई। सबकी सांस बंद होनी है और सबको सबकी सजाएं मिलनी है। सबको सबकी सजाएं मिलेंगी, हिसाब लिखा जा रहा है, चित्रगुप्त हिसाब लिख रहे हैं, हिसाब लिखा जा रहा है। चुन चुन के सजा मिलेगी। अरे मोदी तेरे को भी मिलेगी, तू ये ना सोच तू बचेगा, तेरे को भी मिलेगी। अमित शाह तेरे को भी मिलेगी, वीरेंद्र सिंह तेरे को भी मिलेगी, सबको सजा मिलेगी, कोई बचेगा नहीं। साफ तौर पर आपने सुना कि कैसे, जो कि अगर महाभारत काल से इस वक्त की तुलना करें तो जिस तरीके से एक द्रौपदी की इज्जत उतारने के चक्कर में के कारण पूरा खानदान बर्बाद हो गया था, वैसे ही इन्होंने बताया कि जिस देश में महिला और बेटियों के साथ ऐसी विभत्स घटनाएं होंगी तो उस देश का नाश होना तय है। चित्रगुप्त जो है वो हर किसी का हिसाब लिख रहा है और ऊपर जाने के बाद सबका हिसाब ज़रूर होगा। परमपिता परमेश्वर को नमस्कार है, नारी जाति को नमस्कार है, नमस्कार था, नमस्कार है, नमस्कार रहेगा। तीनों कालों के जो परमपिता परमेश्वर है उनको नमस्कार है और उन्हीं की कृपा से मैं ये बोल पाया हूँ। मेरे में बोलने की कोई शक्ति नहीं, मुझे माफ कर। बाकी इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरा पर्सन प्रियंका के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।